एएनटी वीडियोज में आपका बहुत बहुत स्वागत। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से मैं अखिलेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो हमारे नव युवा हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इस निबंध प्रतियोगिता का नाम है नेशनल एसे कॉन्टेस्ट ऑन इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी। जी हाँ, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव हमारे को एक एक प्रतियोगिता का एक प्लेटफॉर्म दिया है, जिसके माध्यम से जो कॉलेजेस में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो निबंध प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। इसमें जो सबसे मेन चीज है वो है इसका इनाम प्राइज। जी हाँ, इसका इनाम प्राइज 1 लाख रुपए का है। जो प्रथम स्थान पर रहेगा वो 1 लाख रुपए का इसमें उसको इनाम का नवाजा जाएगा। तो इस निबंध प्रतियोगिता के बारे में और भी कई सारी डिटेल्स, इसको कैसे भरा जाए, इसमें कैसे कौन कौन से बच्चे इसमें एलिजिबल होंगे, तो वो सारी चीजें हम आगे इस डिटेल वीडियो में आपको बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस निबंध प्रतियोगिता के बारे में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कौन कौन से इसमें नियम और शर्त रखे हैं, इसकी लास्ट डेट क्या है, और इनाम आपको किस प्रकार से इसमें इनाम नवाजा जाएगा, किस प्रकार से आपको ये निबंध जो है सबमिट करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है। तो आईएएस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आपको इंटरनेट के माध्यम से आपके स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को ओपन करना है। तो हम इसमें गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं। गूगल क्रोम पर यहाँ पर आपकी जो भी स्टेट इलेक्शन कमीशन की साइट है, जैसे हमें राजस्थान को बिलोंग करता हूं तो यहाँ पर आपको लिखना होगा सीईओ राजस्थान, या आप चाहें तो ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी लिख सकते हैं। तो उसके माध्यम से भी आप निबंध प्रतियोगिता के लिंक तक पहुंच सकते हैं। तो क्योंकि ये सीईओ राजस्थान पे मैंने क्लिक किया, आप अपने स्टेट की वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको एक आइकन दिखाई देगा। जी हाँ, आपको वहां पे जो है इस ऑप्शन को ढूंढना है। ये जो जो पोर्शन में आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूं, इसको आपको वहां पे ढूंढना है। ये नीले कलर का आइकन है जिसमें लिखा हुआ है फर्स्ट एडिशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेशनल एसे कॉन्टेस्ट। इस पे आपको जो है टच करना होगा, या आपको आपकी स्टेट वेबसाइट पर सर्च करना होगा, या आराम से मिल जाएगा आपकी स्टेट वेबसाइट पे, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप निबंध प्रतियोगिता की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आप पहुंच जाएंगे। जी हाँ, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये कोई फेक वेबसाइट नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। अब आप मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस प्रकार से इसमें एंट्री जिंदाज करनी है, क्या क्या इसके नियम और शर्त है। तो सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं कि कौन से टॉपिक पर, जी हाँ, किस टॉपिक पे इसमें आपको निबंध लिखना है। क्योंकि तो इसमें टॉपिक के लिए आपको इसमें जाना होगा द 2021 ऐसे कॉम्पिटिशन टॉपिक्स एंड थीम। यहाँ पे हम चलते हैं तो आप पाएंगे कि यहाँ पर दो टॉपिक दिए हुए हैं, टॉपिक वन और टॉपिक टू। टॉपिक वन का मतलब ये देखिए, टॉपिक वन द लीगल फ्रेमवर्क फॉर सोशल मीडिया रेगुलेशन ड्यूरिंग इलेक्शन, और दूसरा टॉपिक है द ईसीआई रोल्स इन द प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग इलेक्ट्रिक डेमोक्रेसी। तो इन दोनों टॉपिक्स पे आपको निबंध लिखने हैं, या आप दोनों टॉपिक में से किसी एक पर निबंध लिखकर अपनी एंट्री को सबमिट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये जिस भी टॉपिक को बिलोंग करते हैं, जिस भी सब्जेक्ट में आप इस सब्जेक्ट में आपको रिसर्च करना होगा अच्छे से, और उसके बाद आपको इसमें एंट्री सबमिट करनी होगी। इसकी डिटेल, इन दोनों टॉपिक्स की डिटेल यहाँ पर आपको दिख जाएगी वेबसाइट पे, आप इसको पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है। उसके बाद हम बात कर लें कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, आखिर इन ये जो टॉपिक्स हैं, ये इन टॉपिक्स के ऊपर आपको जो निबंध लिखना है वो कौन कौन से स्टूडेंट्स, किस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स, किस लेवल के स्टूडेंट जो है इसमें एलिजिबिलिटी रहते हैं। तो आपको इसके एलिजिबिलिटी वाले पेज पर एलिजिबिलिटी क्लिक करना है। एलिजिबिलिटी वाले पेज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी आपको दिखाई देगी। इसमें भी दो कैटेगरीज दिखाई गई है, एलिजिबिलिटी के लिए भी दो अलग अलग कैटेगरिया है। ये देखिए एलिजिबिलिटी वन, सॉरी कैटेगरी वन और कैटेगरी सेकेंड। कैटेगरी वन का आप इसमें जब आप इसमें देखेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि LLB, BAA, BLLB, BBA, LLB, BCom, LLB, BSc, LLB, अर्थात जो लॉ से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, जो लॉ यानी कि जो अपने कानून से संबंधित जो पढ़ाई करते हैं, जो लॉ जिन्होंने LLB की हुई है, वो बच्चे इसमें फर्स्ट कैटेगरी में सेलेक्ट किए गए हैं। और सेकेंड कैटेगरी है जिसमें LLM, MPhil, PhD फ्रॉम इंडियन यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूट कॉलेज रिकॉग्नाइज द बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, यानी कि ये भी जो सेकंड कैटेगरी है ये भी लॉ के विद्यार्थियों के लिए है। जो दोनों में अंतर ये है कि जो फर्स्ट कैटेगरी है वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है,
है ना, या ऐसे ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो लो जो नी अपने जो लो के जो बच्चे होते हैं वो अंडर ग्रेजुएट वाले होने चाहिए। सेकंड कैटेगरी है वो है फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स, लो प्रोग्राम्स, यानी कि जो ऐसे लो के बच्चे जो अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर चुके हैं, जिन्होंने LLM, MPhil, PhD की हुई हो, वो बच्चे इसमें जो है इसमें भाग ले सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से कोई दिशा निर्देश या कुछ स्पेशल इसमें गाइडलाइंस जो है वो क्या क्या है, तो एडिटोरियल गाइडलाइंस ये आप यहाँ पे देख लीजिए, इसकी गाइडलाइंस लिखी हुई है, इसमें 3500 वर्ड्स लिखे हुए हैं, 3500 वर्ड्स तक आपको इसमें लिखना है। इसके अलावा मिनिमम वर्ड, नो मिनिमम वर्ड लिमिट नहीं है। पार्टिसिपेंट्स आर एनकरेज्ड टू सबमिट ऐसे नॉट लेस देन 1500 वर्ड, 1500 वर्ड से कम नहीं लिख सकते है ना, और 3500 वर्ड से अधिक नहीं लिख सकते। इसके अलावा A4 साइज के पेपर साइज शीट को आपको काम में लेना है, जिसमें 1 इंच का मार्जिन आपको चारों दिशाओं में, चारों जो उसके पेपर के जो चारों दिशाएं होती है उसमें आपको छोड़ना है। इस तरह से आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। मेन आपको यह है कि जब आप इसको कंप्यूटर में टाइप करवाएंगे, क्योंकि आपको कंप्यूटर से बनवाना है, तो कुंती देव फॉन्ट 12 होना चाहिए, कुंती देव फॉन्ट होना चाहिए और 12 उसकी साइज होना चाहिए, है ना। और इसके अलावा एंट्री शुड बी 1.5 स्पेस, जो एंट्रीज है यानी कि जो लाइंस है उसमें 1.5 का स्पेस होना चाहिए। इसके अलावा उसमें काफी सारी जो नियमावलियां दी हुई है इसके, तो आप यहाँ पे नियमावलियां पढ़ सकते हैं। अब अगर आपको नियमावली पढ़ने में अगर इंग्लिश में असुविधा हो रही हो, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक हिंदी का ऑप्शन भी दिया गया है, ये हिंदी में देखें, ये जो ऑप्शन है आप यहाँ से जब जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपके हिंदी में हिंदी ओपन हो में जाएगी। देखें। ये देखिए आपकी वेबसाइट जो है वो हिंदी में ओपन हो जाएगी, ये पूरे हिंदी में आ गया, ये संपादकीय दिशा निर्देश, अब वो जो पहले इंग्लिश में थे वो हिंदी में आ जाएंगे। देखिए आराम से आप हिंदी में इसको पढ़ सकते हैं, है ना। निबंध 1 से लेकर 8 तक के इसमें आपको नियम दिए हुए हैं। इसके अलावा ध्यान दें, इन्होंने स्पेशल एक लिखा है कि कृपया ध्यान दें कि इस शर्त का उल्लंघन करने वाली किसी भी प्रविष्टि को स्वतः अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो अगर आप ये नियमावली कृपया को फॉलो ध्यान नहीं दें कि करेंगे इस तो शर्त आपकी का प्रविष्टि उल्लंघन की मान करने जांच भी वाली नहीं कोई जाएगी, भी वो तो प्रविष्टि पहले स्वत ही की अयोग्य ऑटोमेटिकली घोषित कर दी उसको जो जाएगी। है रिजेक्ट मार दिया जाएगा। उसके बाद अब ये भरना कब तक है, आपको ये इसका अनाउंसमेंट कब हुआ था और इसको भरना कब तक है, तो आप तिथियां और तिथियां और समय समय सीमा वाला सीमा जो टेब है, जो इसका जो लिंक बना रखा है, आप उस पर टच करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा 2 अक्टूबर 2021 को इसके बारे में जानकारी प्रदान की गई थी, यानी कि इसको रिलीज किया गया था 2 अक्टूबर 2021 को, इसको निबंध प्रतियोगिता जो है वो लागू की गई थी। 21 नवंबर की रात 12 बजे तक आप इसमें एंट्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा प्रतियोगिता के परिणाम अभी इसमें घोषित नहीं किए गए हैं, प्रतियोगिता के जो विजेताओं के पुरस्कार है वो भी अभी घोषित नहीं किए गए, क्योंकि वो जब फाइनलाइज हो जाएंगी, एंट्रीज सेलेक्ट हो जाएगी, उसमें से जो जो क्या बोलते हैं जो फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो इसमें पास आउट होंगे भारत में वो विषय और थीम इसमें आप द्वितीय यहाँ पर आ जाएंगे। इसके लिए पुरस्कार और कौन कौन से हैं, तो पुरस्कार के लिए आपको निबंध प्रस्तुत इसमें निबंध जो है देखते दो हैं हजार इक्कीस भारत विषय विशेष थीम प्रासंगिक प्रासंगिक कार्यक्रम आयोजन को आयोजकों समझते के हैं, संबंध होम इसमें इसमें आपको भाग क्यों लेना आपको चाहिए, इसमें ये देख क्यों लेते हैं भाग यहाँ पर लेना इसमें लिखा हुआ, चाहिए। ये देखिए आपको इसमें भाग क्यों लेना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको कानूनी ज्ञान है, आप निबंध अच्छा लिख सकते हैं, तो आपको ये निबंध प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए। और सबसे मेन चीज जो है वो देखिए, जो अंग्रेजी निबंध पुरस्कार और हिंदी निबंध पुरस्कार दोनों में सेम चीजें हैं, प्रथम पुरस्कार के लिए 1 लाख रुपया है, चाहे वो श्रेणी 1 हो चाहे श्रेणी 2 हो, यानी श्रेणी 1 का मतलब जो पीजी सॉरी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस कर रहे हैं उनके लिए भी 1 लाख का इनाम है, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कर चुके या कर रहे हैं उनके लिए भी 1 लाख का इनाम है। इसके अलावा सेकेंड और थर्ड के लिए 75 और 50 हजार का यहाँ पर इनाम रखा गया है। तो इसलिए आपको इस निबंध प्रतियोगिता में जो इनाम की जो बात है वो ऑफिशियल लिखा हुआ है कि हाँ हम 1 लाख रुपए का इनाम, प्रथम जो स्थान पर रहेगा विजेता उसको 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो। अब इसको फिलअप आपको इसमें एंट्री एडिटोरियल सबमिट कैसे करनी है, गाइडलाइंस तो आपको सबमिशन टू गाइडलाइन वाले सबमिशन पेज पे आना है, गाइडलाइन सबमिट ऐसे पे सबमिट ऐसे क्लिक करना है। सबमिट ऐसे पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज खुल जाएगा, इसमें आप इसको पढ़ते जाइए और अपना नाम पता वगैरह जो भी है नॉमिनेंसी डिटेल मांग रहा है उसको फिलअप करते जाइए, जो भी आप इसमें योग्यता रखते हैं उस पर सेलेक्ट करते जाइए। इसके अलावा पाठ्यक्रम का नाम जो आप कोर्स कर रहे हैं उसका नाम आपको लिखना होगा। इसके अलावा आपने कौन सा टॉपिक चुना है वो टॉपिक सेलेक्ट करना होगा, किस भाषा किस माध्यम में आपने इसमें लिखा है, इंग्लिश में या हिंदी में आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके अलावा इसमें कुछ आपके प्रमाण का
भी इसमें डॉक्यूमेंट मांगा है, जैसे कि स्वयं छात्र छात्रा के प्रमाण के स्कैन कॉपी, यानी कि आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपका जो प्रमाण जिससे आपकी प्रमाणिकता सिद्ध होती है, वो आपको यहाँ पे करना है। इसके अलावा छात्र के भागीदारी को अधिकृत करने के लिए, यानी कि आप जो जिस कोर्स में आप हैं उस कोर्स को ऑथेंटिकेट करने के लिए कि आप किस इस कोर्स के माध्यम से, यानी कि आपने LLM कर रहे हैं, LLB कर रहे हैं, तो उस कोर्स के आपको यहाँ पर हार्ड कॉपी स्कैन करनी होगी। क्योंकि जब आप उस वहाँ पे एंट्री लेने जाते हैं, जब भी आप किसी कोर्स को, पाठ्यक्रम को एनरोल करते हैं, तो वहां पे आपको एक रसीद मिलती है या फिर आपको एक एडमिशन लेटर मिलता है, तो एडमिशन लेटर आप यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद है निबंध सबमिशन। आप इस हेड फाइल की सहायता से निबंध सबमिशन कर सकते हैं। आपने जिस भी भाषा में निबंध लिखा है, जितने भी पेज का आपने, अब इसमें देखो एक जो महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आती है वो ये है कि जो आपका जो निबंध है वो 10 MB से अधिक का नहीं होना चाहिए। साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है 10 MB से अधिक का वो जो आपकी फाइल है वो नहीं होनी चाहिए। और वो फाइल भी कौन से फॉर्मेट में होनी चाहिए, PDF फॉर्मेट में। ये देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है जो आपका जो निबंध है वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। यानी कि आपको एक PDF फाइल बनानी है, वर्ड में टाइप कर ले, वर्ड में आप टाइप करने के बाद कृति देव का जो इसमें जो भी साइज दे रखी है उस साइज को आप अच्छे से पढ़ लें, फिर वर्ड फाइल को आप PDF में कन्वर्ट करिए और यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर आई एग्री पे क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने से आपका जो निबंध है वो सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको इस निबंध प्रतियोगिता में जरूर भाग लेना चाहिए। निबंध प्रतियोगिता में भाग लेना आपकी जो है कला को भी प्रदर्शित करेगा और एक प्रकार से 1 लाख रुपए की जो राशि है वो इनाम जीतने का भी आपको मौका मिलेगा। तो इसकी नियम शर्तें वगैरह आप अच्छे से एक बार इसकी वेबसाइट पर आकर देख लीजिए। वेबसाइट बहुत आसान है। आप अपने स्टेट लेवल की जो इलेक्शन कमीशन की साइट है वहां से भी जा सकते हैं, या फिर आप ECI.gov.in वेबसाइट पर भी जाकर आप इस निबंध प्रतियोगिता का जो ये नीले कलर का जो कवर है आप इसको क्लिक करेंगे तो आप निबंध प्रतियोगिता की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। तो आप निबंध प्रतियोगिता भाग लीजिए और अपने भाग्य को आजमाइए। हो सकता है कि आपका भाग्य 1 लाख रुपए का इंतजार कर रहा हो। धन्यवाद।